was the reaction of your husband and of your family, and what was most challenging in this journey of being Miss Olympia? It was a dare, because Hawaii society still accept nahi karti ki hum beauty contest mein jaye, right? ब्यूटी कॉन्टेस्ट कुछ ऐसा माना जाता है कि अपने आप को रिवील करना, एक्सपोज करना. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मिस के लिए नहीं, मैं मिसेस के लिए जा रही थी. और मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं डॉक्टर हूं. एंड आई थिंक मेरा प्रोफेशन इज द मोस्ट प्रेस्टीजियस, मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन आई थिंक दिस होल वर्ल्ड. सो मैं ऑलरेडी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, तो जब मैं किसी ऐसी चीज के लिए जाती हूँ जो लोगों की नजर में अभी इतनी एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो चीज जब एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़ जाती है ना, तो आप रोल मॉडल बन जाते हो. और वो जो कॉन्टेस्ट लोगों को लगता है गलत है, वो भी सही बन जाता है. सो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को सही बनाना और सही साबित करना. फैमिली कभी भी आपको नहीं बोलेगी आप जाओ मिसेज इंडिया बन जाओ या मिसेज राजस्थान बन जाओ, कोई भी नहीं बोलेगा. क्यों बोलेगा? क्योंकि आपकी पर्सनल अचीवमेंट है.